पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की सीडियो में लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती पीसीएस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी अभी एक नोटिस जारी की है, उसके बारे में चर्चा होगी और कल आयोग में प्रदर्शन क्यों हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती। 29 तारीख को मॉर्निंग में मैंने ये वीडियो बनाया था, जिससे हो सकता है कि आप लोगों ने देखा हो। और इस 29 तारीख की वीडियो में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में क्या खेल हो रहा है। पीसीएसपी का अभी हाल ही में परिणाम आया है और लोगों को पता ही नहीं है कि आखिरकार कट ऑफ गई कितनी है। 95 जो छात्र करके आए उनका हुआ नहीं है, 92-93 वालों का हो गया, किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ है आज तक पता नहीं चला। ये मुद्दा मेरे चैनल के माध्यम से कई बार उठाया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विवादित प्रश्न है कितने ज्यादा रहते हैं। 2019 में 8 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, 2 क्वेश्चनों में बदलाव हुआ था। 2020 में 5 क्वेश्चन डिलीट किए गए, 6 प्रश्नों के उत्तरों में बदलाव किया गया था। 2021 में 3 डिलीट किए गए। तो टोटल भाग्य भरोसे जो बॉर्डर के विद्यार्थी है उनका चयन है वो केवल भाग्य भरोसे हो रहा है और यहाँ पर विद्यार्थी धरना प्रदर्शन आंदोलन कुछ कर नहीं रहे हैं। कर इसलिए नहीं रहे कि न तो लोक सेवा आयोग सुनता है और न ही सरकार सुनती है। विद्यार्थी ट्विटर अभियान करते हैं कभी और कभी विद्यार्थी ईमेल अभियान करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तुलना करता है संघ लोक सेवा आयोग से। संघ लोक सेवा आयोग की तुलना करने में इनको 100 साल लग जाएगा। केवल 9 महीने के अंदर भर्ती पूरी करने से लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग के बराबर आप नहीं हो जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग में तो ना तो इस तरीके का कोई विवाद होता है और ना ही संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती है। अब आप ही बताइए कि ये फाइनल आंसर की अभी तक जारी नहीं की गई है। 2022 का फाइनल परिणाम जारी हो गया है। पहले अगर आपको याद है जो भी पुराने छात्र 15-16 के शाम को ही जिस दिन परिणाम आता था शाम को जो है कट ऑफ वगैरह नंबर वगैरह जारी कर दिए जाते थे। और अगर इससे पहले अगर हम लोग बात करें 2011-12-13-13 की तो प्री का जो परिणाम जारी होता था तो प्री के परिणाम के समय ही कट ऑफ और नंबर वगैरह जारी कर दिए जाते थे। ये लगातार गोपनीयता ये करते जा रहा है। और कोर्ट का अगर हम लोग रवैया देखें तो पिछले कुछ वर्षों से लगातार विद्यार्थियों के विरोध में ये कोई भी कोर्ट का जो मामला कोर्ट से या तो भर्ती फंसती है या तो जो न्याय इतनी देर से मिलता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। सीबीआई जांच भी देख लीजिए क्या हुआ कुछ नहीं हुआ। चाहे जांच हो चाहे कोई आयोग हो चाहे वो कमेटी हो चाहे वो कोर्ट हो तो न्याय जो प्रक्रिया वो इतनी लंबी कि उसके इंतजार में विद्यार्थियों पूरी जिंदगी खत्म हो जाती। और इसीलिए जो ये विद्यार्थी है वो कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंच रहे हैं शांति पूर्वक तरीके से अपनी मांगों को रखने के लिए, क्योंकि ईमेल वगैरह का तो ये लोग जवाब कभी देते। आरओ वगैरह जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो भी विद्यार्थी सोच ले, वो भी विद्यार्थी पहुंच सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी एपीएस की भर्ती, अल्टी ग्रेड की भर्ती, जितने भी भर्तियां होती है सारी की सारी भर्ती विवादित होती है। अल्टी ग्रेड में आज तक नहीं पता ना तो आंसर की जारी हुई संशोधित ना रिवाइज ना कुछ भी नहीं उन्होंने जारी किया। कितनी कटार बस आरटीआई डालो नंबर पाओ, आरटीआई डालो नंबर पाओ। तो हालांकि लोक सेवा आयोग ने अपनी सफाई के लिए ये आज 3 जुलाई है ये एक नोटिस जारी की है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस नोटिस का देखो कोई मतलब नहीं है, 100 निकालेंगे 100 इसी तरीके के लाएंगे। इसके पहले भी ये लोग कई बार कर चुके हैं इस तरीके का। इन्होंने कहा कि हमने अपने विशेषज्ञ जो है ये देखिए आयोग द्वारा परीक्षा प्रक्रिया में सुस्ता पूर्व गुणवत्ता पूर्ण सुधार लाने के निमित्त विभिन्न विषयों से संबंधित विषय विशेषज्ञों की सूची सम्यक रूप से समीक्षा की गई है और गुणवत्ता पूर्ण कार्य न करने वाले विशेषज्ञों को चिन्हित किया गया। एक अर्धत विभिन्न विषयों से संबंधित 100 विशेषज्ञों के उपरोक्त के दृष्टिगत आयोग के गोपनीय कार्यों से विरोध किया गया है। विशेषज्ञों की गुणवत्ता की समीक्षा अनवरत चलती रहेगी। समीक्षा के दौरान उनकी गुणवत्ता यथा मूल्यांकन प्रश्न पत्रों का निर्माण इत्यादि में कोई कमी पाई जाती है तो भविष्य में उनको आयोग के पैनल से विरोध किया जाएगा। इसके साथ साथ परीक्षा प्रक्रिया को और भी अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आयोग के पैनल में देश के विशिष्ट विशेषज्ञों को शामिल किया गया और विशेषज्ञों के पैनल को विस्तार करने के जिन विद्यार्थियों की जिंदगी बर्बाद हो गई उनका क्या होगा। इन विशेषज्ञों ने जिन छात्रों की जिंदगी बर्बाद कर दी है जिनका लास्ट चांस था, जितने भी नंबर आप लोगों ने डिलीट किए जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने डिलीट किए जो इससे प्रभावित हुए जो विद्यार्थी उनका क्या होगा। अगर इन विशेषज्ञों ने कोई गलत काम किया है किसी परीक्षा में तो उस परीक्षा को निरस्त कर और इन विशेषज्ञों के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर। ये देखिए इसी तरीके की एक विज्ञप्ति इन्होंने 21 अगस्त 2022 को भी जारी की थी, उसमें भी इन्होंने ये कहा कि हमने 80 विशेषज्ञों को हटा दिया है उपदृष्टिगत। ये देखिए सेम उसी तरीके से लिखा इन्होंने आयोग द्वारा परीक्षा प्रक्रिया में शुचितापूर्ण गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के निमित्त विभिन्न विषयों से संबंधित विशेषज्ञों की सूची समग्र रूप पूरी वही कॉपी है, बस वहां पर लिखा था 100 विशेषज्ञों को हटाया गया है और इसमें लिखा 80 विशेषज्ञों को हटाया गया है। पूरा जो है उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया इन्होंने, केवल 80 की जगह 100 कर दिया और यहाँ की तारीख बदल दी है, 21 अगस्त की जगह 3 जुलाई लिख दी है। तो ये देखिए ये संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस बार अच्छा होगा, लेकिन करते क्यों, ये घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो भी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ हो वो 150 क्वेश्चन गैर विवादित नहीं बना सकता, सब कोई बना सकता है। जरा विवादित क्वेश्चन है उनको क्यों रख रहे हैं बार बार, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे हो, उसी क्वेश्चन पर मुकदमा चल रहा है पिछली बार, विद्यार्थी कोर्ट गए हैं और उसी क्वेश्चन को आप दोबारा दे रहे हो, तिबारा दे रहे हो, ये नहीं पता कि इसी प्रश्न को विद्यार्थियों ने चैलेंज किया है, आखिरकार ऐसा हुआ क्यों।
और इसका लाभ मिल किसको रहा है? तो यहाँ पर ये विद्यार्थियों ने मेरे पास भेजा है और गुहार लगाई है इन छात्रों ने कि सर ये लोकतांत्रिक प्रणाली है, डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है इंडिया में, हम लोग अपनी बात रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर आयोग ने अभी तक प्रीलिम्स 2022 आरओ 2021 के पी और मेंस की मार्कशीट और अंतिम उत्तर कुंजी जारी क्यों नहीं की है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं जारी की है और कब 2022 का प्रीलिम्स होगा। अब ये लोग ये कहा करते हैं पिछले 3-4 सालों से कि भर्ती जब कंप्लीट हो जाएगी तब हम प्री के नंबर बताएंगे। पहले प्री के नंबर तुरंत बता दिए जाते थे 2011-12 में और उसके बाद ये लगातार दबाते चले गए बातों को गोपनीयता के नाम पर। और अब तो रिजल्ट आ गया है, अब क्या बना रहे हो? अब जब रिजल्ट आ चुका है 22 का कंप्लीट हो गया तो तुरंत जारी करना चाहिए ना इन्होंने, मेंस के साथ साथ में फाइनल मार्कशीट के साथ साथ में पी की कट ऑफ, पी के नंबर बताओ। लेकिन जब तक ये ज्वाइनिंग नहीं करवा देंगे तब तक ये नंबर नहीं देंगे कि ऐसा ना हो हमारे दुकान पर घोटाला कुछ आ जाए और भर्ती में ये विद्यार्थी कोर्ट चले जाए और ये जो बच्चे इनकी ज्वाइनिंग रुक जाए। तो जब तक ये ज्वाइनिंग नहीं करवाते हैं किसी भर्ती की तब तक ये नंबर नहीं बताया करते हैं और यही कारण है कि आरओ 2021 और पीसीएस प्री इन दोनों के प्री के नंबर और ये मेंस के नंबर जो ये नहीं बता रहे। तो यही सब बहुत सारी बातें हैं कि ये इतने विवादित क्वेश्चन। और देखिए ये ऐसी वैसी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है, सभी विद्यार्थियों को समझने की आवश्यकता है, नहीं तो आप लोग बार बार धोखा खाएंगे, पढ़ते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। शांतिपूर्वक तरीके से संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखना कहीं से भी गलत नहीं है। तो जो विद्यार्थी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हो वो सभी विद्यार्थी 11 बजे लोक सेवा आयोग पहुंच सकते हैं। ये देखिए आयोग से अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता के लिए कल आप सभी आयोग के पास 11 बजे एकत्रित होकर के शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग रखिए। एक बात और, लोक सेवा आयोग आपकी बात नहीं सुनता है, हाईकोर्ट नहीं सुनती, सरकार नहीं सुनती है और आप लोग भी नहीं सुनते हैं। जब मैं कहता हूं कि आप लोग इस तरीके के वीडियो को लाइक करें तब भी 20,000-25,000-30,000 वीडियो को देखेंगे लेकिन लाइक नहीं करेंगे। और इसी तरीके की जो अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो पूरे विद्यार्थी सब्सक्राइब भी नहीं किए हुए हैं, उसमें भी हजारों देखते हैं और देखते रोज है, सालों से देख रहे हैं मगर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। नुकसान इसमें आपका भी है, बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचना है जो आपसे छूट सकती है, इसलिए इसी तरीके की महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये ग्रुप है उन विद्यार्थियों का जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, ये ग्रुप की लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दी है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उपलब्ध करा दी है। इन छात्रों ने ये लिंक भेजी है जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं लोक सेवा आयोग को जिम्मेदार बनाने के लिए, पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हो रहा, जो पहले आंदोलन होते थे वो सब छात्र नेता ठंडे पड़ गए हैं, या तो उनका उद्देश्य पूरा हो गया और कुछ जो छात्र संगठन है सरकार के दबाव की वजह से, सरकार के डर की वजह से, क्योंकि सरकार देख सकते हैं आप लोग क्या रवैया सरकार, तो कुछ इस वजह से नहीं आ रहे हैं। इसलिए छात्र संगठनों को किनारे करके आप लोग अपनी बात को खुद रखें, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाए और जो भी ग्रुप्स की लिंक वगैरह होंगी मैं नीचे दे दूंगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।